अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि फिंचिस से ब्रीड लेने के लिए किन किन एहतियातों को अपनाना चाहिए, फिंचिस से ब्रीड लेने के क्या तरीके हैं, और अगर बर्ड्स की हैबिट को मद्देनज़र रखा जाए तो उसके हिसाब से ब्रीड किस तरह ली जा सकती है। आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। तो बात यह है कि अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हो तो हमने अपनी तमाम फिंचिस को एक ही कॉलोनी में रखा हुआ था, फिर हमने ये सोच के इनको सेपरेट केजेस में कन्वर्ट कर दिया था कि दो दो जोड़े कन्वर्ट कर दिए थे, एक खाने में दो जोड़े, जिस तरह ये खाना है हिस्सा है तो इसमें दो जोड़े, दो जोड़े इसमें, दो जोड़े इस खाने में, दो और दो तीन जोड़े इस खाने में हमने शिफ्ट कर दिए थे। उसकी रीज़न ये थी कि इनमें जो हल्की फुल्की फाइटिंग भी होती है वो भी ना हो, और दूसरी बात ये कि हमने इनको इसलिए अलग अलग सेपरेट केजेस में मतलब कन्वर्ट किया था, शिफ्ट किया था, ताकि ये वहाँ पे एग्स वगैरह ले करें, चिक्स वगैरह निकालें, और उनके एग्स देने की रेशो और चिक्स निकालने की जो रेशो है वो ज़्यादा बेटर हो, और फिर हमें ये पता भी चल सके कि किस जोड़े की क्या प्रोग्रेस है, आया कि कोई ऐसा जोड़ा तो नहीं है जो ओवर एज होने की वजह से एग्स वगैरह ना दे रहा हो या उसके एग्स में से चिक्स ना निकल रही हो, तो हम उनको मतलब आउट कर सकें। ऐसे जोड़े जो हमारे लिए बेकार हैं, अंडे बच्चे वगैरह वो नहीं दे रहे, तो हम उनको निकाल दें। तो इसलिए हमने इनको अलग किया था, और तकरीबन डेढ़ से दो माह इनको हमने सेपरेट रखा, और इसके बावजूद इन्होंने चिक्स वगैरह अंडे वगैरह नहीं दिए। तो आज हम फिर से इनको इन अलग अलग केजी से निकाल के और इस वाले खाने में इनको शिफ्ट